अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ कुछ स्पेशल बच्चों से मिलवाने के लिए, ठीक है। मैं अभी 2 दिन पहले भी गया था, तो मैं इस चीज़ को, इस मौके को शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। फिर चलते हैं, अभी मेरी टीम भी साथ में आने वाली है, तो हम लोग सब मिलकर ज्वाइन करेंगे। जी जनाब, तो सरप्राइज़ का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। हम जा रहे हैं इस वक्त डेफ रीच, और डेफ रीच जो है वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो है स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं। डिटेल जो है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा, आप लोग समझ जाओगे वहाँ पे कि कितनी ही काबिलियत रखते हैं ऐसे लोग और इस तरह के बच्चे जो हमारे मुल्क का असासा हैं। थोड़ी सी वीकनेसेस की वजह से हम लोग उनको माशरे से अलहदा कर देते हैं, तो ये आज आपको प्रूव होने वाला है और आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और जब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और प्लस लोगों को प्रमोट कीजिएगा कि वो इस तरफ आए, आगे बढ़ें और इस चीज़ में जो है हिस्सा लें, ताकि हमारे जो बच्चे जो हैं, जो हमारे मुस्तकबिल हैं, ठीक है, वो हमारे कौम का सरमाया बन सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपको आज लेके आया हूँ स्पेशल लोगों से मिलवाने के लिए, और यहाँ पे जो है डेफ रीच में हूँ, और यहाँ पे हम आए हैं स्टूडेंट से मिलने के लिए। यहाँ पे इनका जो है ये सेटिंग रूम है, और सामने की तरफ जो है आप देख रहे हैं इनके सारे ट्रॉफीज़ और कप्स और जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं इनके पास मौजूद, ये डिस्प्ले में रखी गई हैं। डिफरेंट टाइप के जो हैं सोवेनियर्स हैं यहाँ पे, जो जो लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो बड़े बड़े खूबसूरत से क्राफ्ट रखे हुए हैं सामने मेरे, ये यहाँ के बच्चों ने ही बनाए, और डिटेल में जो है आपको चल के बताता हूँ। आज हम लोग भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आए हैं, और प्लस इनको हम ट्रेन करने आए हैं फॉर द टेक्सटाइल्स, और होपफुली हमारे साथ आप लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे। और ये जो है यहाँ के फाउंडर है डेफ रीच। ये सारी इनकी क्लासेस हैं, कैसा लगा आज? ये है मेरे साथ बच्चे, और इनकी क्लास मैंने ली है, अब ये हम निकल रहे हैं, और ये माशाल्लाह से पढ़े थे। मैं अपनी ये टीम के साथ आया हूँ,
ये है असरा और ये है तैयबा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे मिल के फिर बच्चों को ट्रेन करेंगे। और कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ा अच्छा, अच्छा लगा। ये यहाँ की डेफ्रिज की टीचर हैं। मेरा नाम जेसिका जॉनसन है और मैं इंटरप्रेटर हूँ। और मैं, मुझे आज एजाज़ मिला, एक मौका मिला कि इनसे मिलने का, बहुत बच्चों से मिलने का। सिखाया, मुझे भी नॉलेज हो गई, मैंने भी कुछ सीख लिया डिज़ाइन के हवाले से। बहुत शुक्रिया। और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वो फिर एक्सपेक्टेशन और आप जितना जॉब कर रहे हो ना उस लेवल का बीच में ना आपको बना के अपना प्रोडक्ट करना, उसी तरह से प्रेजेंट भी करना, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त मैडम सकीना के साथ। मैडम, मैं आपको मैडम बोल सकता हूँ ना? ठीक है, थोड़ा सा डेफ्रिज के बारे में बता दीजिएगा और थोड़ा सा राइट। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमें मौका दिया आज आपके आने का, और लकी टेक्सटाइल्स का आपका शायद साहब। डेफ्रिज इज़ बेसिकली अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेफ बच्चों की ना सिर्फ एजुकेशन पे काम करें, उनकी हेल्थ केयर पे काम करें, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अभी डेफ्रिज इज़ वर्किंग अपॉन इट। और एम्फेसिस इज़ एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट, जो कि वोकेशनल स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे हमारे पास यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हैं, वी ट्राई कि उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हम उनके लिए, ठीक हो गया, उनको आसानी उनके लिए करके दें। प्लस साइन लैंग्वेज पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम, और फिर बच्चों की एक काइंड ऑफ उनकी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हम उनकी काउंसलिंग सेशन, पेरेंट्स के लिए सेशन, पेरेंट्स एजुकेशन क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनके लिए करते हैं। हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से चला जाए? डेफिनेटली, आजकल के यूथ को बहुत ज़रूरत है आगे आने की, साइन लैंग्वेज पे काम करने की, सीखने की सबसे पहले तो। और दे आर नॉट डिसेबल्ड, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन बैरियर है, एक छोटा सा ग्लिच हमारे पास जो सोसाइटी में एक टैबू बन के आ जाता है कि डिसेबिलिटी भी बहुत जो है वो ख़राब चीज़ है, समथिंग लाइक दैट। ये शायद हम डिसेबल है कि हम उनकी exactly. जबान नहीं समझ पाए। मैंने यहाँ पे आके यही फील किया कि वी आर डिसेबल, और इनका क्रिएटिव माइंड देखे मैं, आई वाज रियली अमेज्ड। थैंक यू सो मच, एंड दे आर वेरी इंस्पायर्ड, माशाल्लाह। इनके लिए वी हैव गुड विशेस, और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग देम अ चांस कि आके ना सिर्फ आप साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं, बच्चे आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह जो कि आगे इनके लिए फ्रूटफुल होगा। जज़ाकअल्लाह, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे आज ये कवर किया, और मेरी एक ख्वाहिश है कि आप लोग भी आइए, आगे आइए और इनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बिकॉज दे नीड अस एंड वी नीड देम एज वेल, ठीक है। मैंने आज, ठीक है, मैं, मेरा रिलेशन सारा डिज़ाइन से है, तो आई थिंक के वी हैव टू नीड दीज पीपल इन आवर इंडस्ट्रीज। ये जो है यहाँ पे डेफ्रिज स्कूल का कोलाज लगा हुआ है, आप देख रहे हो इस वक्त, और मैं इस वक्त हूँ क्लासरूम के विजिट पे, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये जो है यहाँ की जो है डेफ्रिज बेकरी बनी हुई है, और यहाँ पे ये जो है इस वक्त तो बंद है, डेफिनेटली बच्चे जा रहे हैं, रमज़ान का टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग इनकी लिखी हुई है, तो ये अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, और ये इनका क्लासरूम है, ठीक है। बड़ा ही साफ़ सुथरा सा माहौल है, और बड़ा ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ये इनका जो है कलिनरी आर्ट डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जो है ये काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ लगी हुई हैं, और इनके सारे इवेंट जो है यहाँ पे कवर हुए हैं। ये यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट की कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अभी हम जो जिन जिन लोगों से मिले हैं आपने देखा भी है, कुछ और एरियाज हैं यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्शन है यहाँ पे बना हुआ इस वक्त, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं अलग अलग व्यू ले रहा हूँ। ये कॉरिडोर बना हुआ है, हम यहाँ से भी चलते हैं। ये जो है इनका स्टिचिंग यूनिट है, यहाँ पे इनका सारा स्टिचिंग का काम होता है, और यहाँ पे बच्चे जो है वो सारा सिलाई का काम करते हैं, और ये आप देख भी रहे हैं इस वक्त इनके सारे यहाँ पे स्टिच हुए हुए आर्टिकल्स रखे हुए हैं। प्लस ये जो है यहाँ पे स्टिचिंग की कुछ मशीन हैं, खैरियत हैं, ठीक है,
और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दस्तखत के नाम से आप देख सकते हो, आप इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। प्लस कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। आप लोगों को भी आना चाहिए और ये चीज़ें देखनी चाहिए और आप लोग महसूस करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे ये चीज़ों को बहुत ही डिटेल से कि कितनी फोकस्ड होकर और मेहनत से ये लोग काम करते हैं। और सल्यूट है, हैट्स ऑफ द टीचर। हमने कुछ इनको असाइनमेंट दिए थे अपनी कंपनी की तरफ से और इस पे स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार काम किया। एक एम लिया है कि मैं इंशाल्लाह इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरा फील्ड है वो डिज़ाइनिंग का है, तो मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दूँगा ताकि इन्हीं में से कुछ लोग निकल के आगे आएँ और हम इनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकें और ताकि इनका भी हौसला बढ़े और हम लोग एक एग्जाम्पल लोगों के लिए जो है वो क्रिएट करें। ये जो है इनका कुम्हार्ट का रूम है, ये आप देख सकते हैं, ये कुम्हार्ट का इनका रूम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सारी जो है हैंडमेड जो क्राफ्ट होती है ये बना के रखी हुई है डिस्प्ले पे। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी हैरान रह गया कि कितना ही इन्होंने बड़ा ही डेलिकेटेड सा और खूबसूरत सा काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं हम इन लोगों को इन चीज़ों को लेकर के, और आप देखो कितना टैलेंटेड ये टैलेंटेड वर्क हुआ हुआ है, उस चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, और हमें करना भी चाहिए, ठीक है। बींग अ पाकिस्तानी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों को अपने साथ लेके चलें और इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराएं। मेरे साथ हैं इस वक्त दान साहब, ये मेरे साथ ही होते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, कैसा लगा? ये आप माशाल्लाह वो देख रहे हैं, ये जो डेफिनेट स्कूल है, मतलब ये सिर्फ अकेडमिक नहीं, ये आर्ट नहीं, कलरिंग नहीं, मतलब मल्टीपल शोबों में काम कर रहा है माशाल्लाह, ठीक है, सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं। और देखें ये चीज़ ईजी नहीं है, मतलब आप ये देखेंगे किसी स्टूडेंट ने बनाई है, ये चीज़ ईजी नहीं है, ये आप बाहर मार्केट में भी इस टाइप की चीज़ें नहीं देख पाते जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हेड्स ऑफ द टीचर, मैं इनके टीचर का काम जो है वो देख के बड़ा ही हैरान रह गया, ठीक है। ये यहीं पे होते हैं, आप ये करवाते हैं सारा काम, ये आप ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं और डेफिनेटली इनका बड़ा मेहनत का काम है, ठीक है। काफ़ी सारी मैंने इस तरह की चीज़ें कवर की हैं, आपको आर्ट रूम में भी लेके चलता हूँ ताकि वहाँ पर भी मज़ीद चीज़ें कुछ दिखा दूँ। ये हैप्पी समर की यहाँ पे वो पेंटिंग्स लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। और ये जो है यहाँ पे इनकी कंप्यूटर लैब भी है और अंदर चल के देखते हैं। ये है इनका फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो है बड़ा ही खूबसूरती से उन्होंने बनाया और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये आप सामने देखते हैं, ये बेसिकली कलर बोर्ड लगा हुआ है आपका, वार्म एंड कोल्ड कलर, जो आज हम लोग जिसकी जो इनको गाइड कर रहे थे और समझा रहे थे, बेसिकली वो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा इनका आर्ट क्लास का रूम बना हुआ है जहाँ पे ये बैठ के अपनी स्केचिंग और ये चीज़ें करते हैं। इधर भी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें रखी हुई हैं, डेकोरेटिव आइटम है इनके पास। यहाँ पे कंप्यूटर लैब की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे टीचर है, ठीक है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे दीवार पे आप सारी इनकी पेंटिंग और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो है यहाँ की कंप्यूटर लैब है और यहाँ पे बच्चे बैठ के अपनी जो है सारी कंप्यूटर्स की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे किए जाते हैं। ये जो है यहाँ पे लाइब्रेरी है और यहाँ काफ़ी सारी जो है बुक्स वगैरह रखी हुई हैं इनकी एजुकेशन और स्टडीज़ के लिए। और सामने जो है मैनेजर्स का इनका रूम है जहाँ पे जो इनकी मैनेजमेंट बैठती है, और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे हम सुबह बैठे हुए थे। ये वाला रूम जो है आप देख सकते हैं, सारी इनकी शील्ड और जितनी भी ट्रॉफीज और सुवेनियर्स हैं यहाँ पे रखे हुए। इवन यहाँ पे जो ये कुशन रखे हुए हैं इसका भी काम जो है यहाँ के बच्चों ने किया और मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा। ये हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के भी जाने का टाइम हो गया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे विज़िट करके। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया था, ठीक है,
और अगर आपको यहाँ पे आना हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट हियर एंड सी द क्रिएटिव आर्ट एंड यू नो लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इदारे को विज़िट करके इसको स्पॉन्सर भी करें जो पॉसिबिलिटी हो, ताकि ये आगे से आगे बढ़ सकें और इस चीज़ को प्रमोट कर सकें इंशाल्लाह। एक जो है एक इंसानियत का फ़र्ज़ भी है कि हम दूसरों को सपोर्ट करें। ये इस वक्त बच्चे जो है फ़ोटो सेशन के लिए हमारा वेट कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं।